अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड। स्टेटिस्टिक्स की सीरीज से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को जो डिस्कस करेंगे वो भी हम सेम, मतलब कि जो पहले हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी उन्हीं डेटा सेट को यूज़ करते हुए करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच नहीं की तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उन वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये वीडियो। आप इसको सेपरेटली भी समझ सकते हैं, आप इसको वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी क्यूरी क्वेश्चन एंड में कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द कंपेरिजन इफ़ वेरिएबल्स आर सेम। अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं और वो सेम हैं तो उनका कंपेरिजन जो है वो दिखाने के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप डिनोट करते हैं सी वी से। ठीक है, सी यहाँ पे डिनोट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ एंड वी स्टैंड्स फॉर वेरिएशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ होती है वेरिएशन। वेरिएशन कैसे निकालते हैं आप? जो आपका सिग्मा होता है, यानी कि सिग्मा क्या था हमारे पास, याद है? स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्क्वायर निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है आपके पास वेरिएशन। सिंपल है, सिग्मा की वैल्यू है आपके पास, अगर उसका आपने सिंपल स्क्वायर निकाल लिया वो हो जाएगा आपके पास क्या? वेरिएशन। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है 4.32 तो उसका आपके पास वेरिएशन क्या होगा? 4.32 का स्क्वायर निकाल लेंगे आप और आपके पास वेरिएशन आ गया 18.8। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाला जाता है? उसका सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया। अब सिग्मा की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल 4.32 यहाँ पर अवेलेबल ही है। एक्स बार की वैल्यू हम कहाँ से उठा रहे हैं? जो हमने पिछली वीडियोस में ये वाला डेटा सेट यूज़ किया था, याद है? इसमें हमने एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, सिग्मा ऑफ एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई एन। मतलब कि जितने भी आपको डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए ना, उन सब का सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको प्लस किया, आंसर आया 69 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू, जो आंसर आपको मिला है दिस इज द एक्स बार। तो हमने इसी एक्स बार की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है। सिग्मा की वैल्यू थी 4.32 डिवाइडेड बाय 7.6 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंपल सॉल्व किया है, इन दोनों को डिवाइड किया, 0.56 आंसर आया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, इज इक्वल्स टू 56.5%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास क्या वैल्यू आई है? 56.5। इस तरह से आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी डेटा को देते हुए, मतलब प्रोवाइड किया जाए और आपसे कहा जाए कि आप जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आप सिंपल इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और सिंपल वेरिएशन निकालना है तो वेरिएशन के लिए आप सिग्मा की वैल्यू को का स्क्वायर कर देंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड कोई क्यूरी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।